Hello friends, welcome back. This is Neelam. Bar graph और telemarks हम last videos में कर चुके हैं अपना data interpretation का, ठीक है, data handling का जो हम कर रहे हैं. आज के video में हम बात करेंगे circle graph और pie graph की. तो circle graph क्या होता है, pie graph भी इसे हम कहते हैं और pie chart भी हम इसे कहते हैं. तो तीनों name में से जो भी name होगा बात तीनों का मतलब जो है वो सेम है, मीनिंग सेम है. ओके, सर्कल ग्राफ, पाई ग्राफ और पाई चार्ट. तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है सर्कल ग्राफ, तो इट इज़ मेड अप ऑफ अ सर्कल. ओके, सर्कल होता है उसको हम स्लाइस या हम डिवीज़न में उसको डिवाइड कर देते हैं, उसके डिफरेंट डिवीज़न्स हम रखते हैं. ठीक है, तो जो भी हमारा न्यूमेरिकल डाटा है अगर हम उसको कंपेयर करना चाहते हैं तो हम सर्कल ग्राफ और पाई ग्राफ या पाई चार्ट की हेल्प से उसको कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा डाटा जो है बिगेस्ट डाटा है और कौन सा स्मॉलर डाटा है. तो उसमें जो भी हम सर्कल ड्रॉ करेंगे उसको डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइड करेंगे, उसके उसमें जो भी लार्जेस्ट पीस होगा या लार्जेस्ट स्लाइसेस होते हैं, उसके अलग अलग स्लाइसेस होते हैं, इसी स्लाइसेस के नाम से हम इसको पाई चार्ट या पाई ग्राफ भी कहते हैं. तो जैसे कि अगर मैं ये ऐसे बात करती हूँ कि ये एक सर्कल ग्राफ है, ठीक है, तो इसमें न्यूमेरिकल डाटा को अगर हमने डिवाइड करना है तो हम इसके डिफरेंट पार्ट्स इस तरह से इसका डिवीज़न कर सकते हैं, लाइक ओके. तो जो भी बिगेस्ट पार्ट होगा, इक्वल पार्ट होगा, स्मॉलर पार्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है हम डाटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है ज़्यादा क्वान्टिटी में है, कौन सी चीज़ जो है लेस क्वान्टिटी में है. तो इसमें मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो बिगेस्ट पीस होता है, लार्जेस्ट पीस जो होता है वो बिगेस्ट डाटा को रिप्रेजेंट करता है, जो स्मॉलर पीस होता है वो स्मॉलेस्ट डाटा को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया इसको पाई चार्ट और पाई ग्राफ भी कहते हैं क्योंकि इसकी राउंड शेप की वजह से और इसकी स्लाइसेस की वजह से, जो पाई के स्लाइसेस हैं उनकी वजह से हम इसका नाम जो है एज अ सर्कल ग्राफ, पाई ग्राफ और पाई चार्ट इसका रखा गया है. अब हम एक सिचुएशन लेते हैं जिसके ऊपर एक पाई चार्ट दिया गया है. ठीक है, सिचुएशन दी गई है, पाई चार्ट दिया गया है, तो कुछ एक क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं अकॉर्डिंग टू दैट सर्कल ग्राफ, हमें उनके आंसर्स देने हैं पिक्चर को देखकर. तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो हम ले लेते हैं. ये आपके सामने एक पाई चार्ट दिया हुआ है. ठीक है, इस पाई ग्राफ में से आपको ये बताना है, इसमें इस पाई ग्राफ में शो किया गया है कि एक फैमिली है जो टीवी वॉच करती है नंबर ऑफ आवर्स, तो कितना नंबर ऑफ आर जो है वो टीवी वॉच करती है वो इस सर्कल ग्राफ या पाई ग्राफ में रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो हमें हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे. मान लो आपको एग्ज़ाम में इस तरह का एक ग्राफ दिया होगा, जैसे मान लो ये आपको एग्ज़ाम में दिया गया है और आपको कहा गया है कि दिस इज़ द एडजेसेंट पाई ग्राफ, दिस इज़ द पाई ग्राफ विच शोज़ द नंबर ऑफ आर्स अ फैमिली वॉचेज द टीवी. ओके, सो अब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, द बिगेस्ट पोर्शन शोज दैट, ये जो हमारे इसमें पाई चार्ट में बिगेस्ट पोर्शन है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच आउट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, विच मेम्बर्स वॉचिंग द टीवी फॉर मोर आवर्स. ओके, तो इसमें से अगर हम देखा जाए तो कौन से फैमिली में कौन से मेम्बर्स जो हैं टीवी को ज़्यादा घंटों तक देख रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, बिकॉज दे आर, ये जो ये डेटा है ये बिगेस्ट है. तो ये पार्ट जो है, ये पीस जो है बिगेस्ट पीस है, तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा टाइम तक टीवी जो है वॉच करते हैं. अगर आपसे पूछा जाए कि हु आर द टू मेंबर्स हु आर वॉचिंग द टीवी ऑलमोस्ट फॉर इक्वल आवर्स, तो ऑलमोस्ट इक्वल आवर्स के लिए यहाँ पे कौन से फैमिली मेंबर जो है टीवी वॉच कर रहे हैं, मॉम एंड डैड. आप देख सकते हैं कि मॉम एंड डैड का जो पीस है पाई चार्ट में, जो पीस है वो सेम साइज़ का है, सो दे आर वॉचिंग द टीवी फॉर इक्वल आवर्स. ओके, देन हु इज़ वॉचिंग द टीवी फॉर लेस आवर्स, मीन्स फॉर लीस्ट एट फॉर मीन्स हम ये कह सकते हैं कि द लीस्ट ऑफ ऑल हु इज़ वॉचिंग द टीवी फॉर द लीस्ट टाइम. सो यहाँ पे ये मी मीन्स अगर मैं इतना टाइम टीवी को वॉच कर रही हूँ तो ब्रदर जो है वो दिस टाइम इतने टाइम तक जो है वो टीवी को वॉच कर रहा है. तो ये जो पीस है ये लेस देन दिस है, तो सबसे छोटा पीस जो है ब्रदर का है, मीन्स जो है इट मीन्स दैट जो ब्रदर है वो सबसे कम टाइम के लिए जो है वो टीवी वॉच करता है, मीन्स सबसे कम टीवी वॉच करता है यहाँ पे इस पाई चार्ट में ब्रदर, सबसे ज़्यादा ग्रैंड पेरेंट्स, उसके बाद इक्वल आवर्स के लिए मॉम एंड डैड, उसके बाद मी
एंड उसके बाद जो है सबसे कम जो है वो ब्रदर. तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. इसी तरह से आपको किसी भी डेटा के लिए जो है कोई भी चार्ट दिया जा सकता है जिसको डिवाइड किया होगा, या आपको एक डेटा दिया होगा जिसको आपको जिसके लिए आपको पाई चार्ट बनाना है या सर्कल ग्राफ बनाना है. तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम रीड करते कैसे करते हैं, और अगर हमारे पास डेटा है तो हम पाई चार्ट को कैसे बनाते हैं. तो ये तो हो गया रीडिंग. रीडिंग ईजी है. ओके, जो हमने पीस देखने हैं, जो बड़ा पीस है वो बिगेस्ट डेटा को प्रेजेंट करेगा, जो स्मॉलर पीस है वो स्मॉलेस्ट डेटा को प्रेजेंट करेगा. ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास डेटा दिया हुआ है, या हम एक और ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमें किसी पाई ग्राफ को रीड आउट करना है. तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही एक बहुत सिंपल एग्जांपल है. एक सर्कल ग्राफ है, वी शोज द मनी स्पेंट ऑन द हेयर कट बाय द फोर फ्रेंड्स, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ये एक सर्कल ग्राफ दिया गया है, चार फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मनी स्पेंड किया है हेयर कट पे. तो आपको ये बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन है हु स्पेंड द मोस्ट आउट ऑफ दीज, हु स्पेंड द मोस्ट. तो सबसे बड़ा जो पीस है या पाए है वो किसका है, रामा का है. सो रामा स्पेंड द मोस्ट. विच टू फ्रेंड्स स्पेंड एन इक्वल अमाउंट, किसका पाई जो है या किसका पीस जो है वो इक्वल है, प्रेम एंड राज का, ये दोनों पीसेज इक्वल हैं. सो द आंसर इज राज एंड प्रेम. थर्ड है हु स्पेंड द लीस्ट, तो लीस्ट किसने स्पेंड किया है, राज और प्रेम में से आप देख सकते हैं क्योंकि दोनों का इक्वल है, तो हम दोनों को कह सकते हैं कि राज एंड प्रेम स्पेंड द लीस्ट. ओके, तो ये इसके इस तरह से हम आंसर्स देंगे. तो ये सिंपल वाला एग्जांपल है, थोड़ा सा इससे कॉम्प्लेक्स लेते हैं. आपको यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन है कि द हॉबीज ऑफ द 48 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर दीज. ओके, द पाई चार्ट इज शोइंग द हॉबीज ऑफ द 48 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास. यू हैव टू फाइंड दैट फॉर हाउ मैनी स्टूडेंट्स द म्यूजिक इज़ देयर हॉबी, एंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव आर्ट देयर हॉबी, एंड लाइक आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं जिनका म्यूजिक हॉबी है, यहाँ पे आर्ट जितने हैं कितने हैं. तो इस चार्ट को देख कर आपको बताना है कि कितने स्टूडेंट्स का हॉबी जो है यहाँ पे म्यूजिक है. तो आपको ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 48 हैं. तो यहाँ पे ये पाई चार्ट जो है वो 48 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है. ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है, 48 स्टूडेंट्स का डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है. तो मींस टोटल जो है ये सर्कल कितना होगा, 48. ओके, अब इसका म्यूजिक जो है जस्ट हाफ है, इस पाई सर्कल का जस्ट हाफ जो है वो म्यूजिक है. तो हाफ मतलब 24, 48 का हाफ कितना हो गया, 24. तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 48 का हाफ हो गया हमारे पास 24, या सिंपल हम इसको ओरली भी कर सकते हैं माइंड में अपने. तो यहाँ से सिंपल हो गया कि 24 स्टूडेंट्स का जो हॉबी है वो म्यूज़िक है. तो क्लास में 24 स्टूडेंट्स का हॉबी म्यूज़िक है, और जो आर्ट है वो इसका भी जस्ट हाफ है. तो हम ये कह सकते हैं कि 1/4. सो अगर 48 का फोर्थ पार्ट जो है हॉबी है, तो ये हो जाएगा, 4 से हम अगर 48 को डिवाइड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा. ठीक है, या हम सिंपल ये कह सकते हैं कि म्यूज़िक का जस्ट हाफ आर्ट है. तो म्यूज़िक 24 है, तो उसका जस्ट हाफ क्या हो गया, 12 हो गया. रीडिंग बुक्स और डांसिंग जो है लगभग दोनों सेम हैं. ओके, तो रीडिंग का हो गया, इसका भी हाफ जो है वो रीडिंग है, और ये दोनों लगभग इक्वल हैं. तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 का हाफ 6 जो है रीडिंग है, और डांसिंग भी सेम है, तो ये भी 6 आएगा. ठीक है, या फिर हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये 1/4 था, तो ये कितना हो गया, 1/4 जो है ये है 48 है, तो ये आ जाएगा हमारा आई थिंक 1/8. यस, 1/8. तो ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 6. इस तरह से भी कर सकते हैं अगर आपको इस तरह से इजी लगता है, या तो आप इसको अपना माइंड में सॉल्व करके चलिए कि इसका जस्ट हाफ आर्ट है, इसका जस्ट हाफ जो है ये है और ये है, और दोनों लगभग सेम हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 6/6. ओके, और लगभग सेम नहीं है, दोनों सेम ही हैं. यहाँ पे थोड़ा सा आपको बड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन पाई चार्ट में जो है ये दोनों हिस्से जो हैं वो बराबर हैं. तो ये आपका आंसर आ गया, 24, 12, 6 एंड 6. ओके, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन में क्या है,
40 स्टूडेंट्स की एक क्लास है जिसमें चार बच्चे इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, राज, राम, मीरा एंड अनु. ओके, सो 4 स्टूडेंट्स आर देयर इन इलेक्शन. ओके, तो 40 स्टूडेंट्स अगर वोट कर रहे हैं, तो अगर आपको ये बताना है कि इस पाई चार्ट को देखकर आपको ये बताना है कि राज को कितने वोट मिले, राम को कितने वोट मिले, मीरा को कितने मिले और अनु को कितने मिले, तो आपको ये अगर बताना है कि हाउ मैनी वोट्स दे गेट. ओके, ईच पर्सन हाउ मैनी नंबर ऑफ वोट्स दे गेट. सो कैसे हम बताएंगे, हम इस पाई चार्ट को स्टडी करेंगे. ये पोर्शन जो है ये है 1/4. यस, ये टोटल अगर हम चार पार्ट में डिवाइड करें तो 1/4 है, ये भी 1/4 है. ठीक है, और ये जो है 1/8 है, क्योंकि इसका जस्ट हाफ है ये, तो 1/4 का हाफ हो गया 1/8. ओके, तो ये आपको इतना पता होना चाहिए कि दिस इज़ 1/4, 1/4 पार्ट है, ये भी 1/4 है, इट इज़ द हाफ ऑफ द 1/4, सो इट ये हो गया 1/8. तो तीन पार्ट्स अगर हमको पता चल गए तो फोर्थ को हम एज इट इज़ रहने देंगे. ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो इसका होगा. अब हम देखेंगे कि टोटल नंबर वोट है 40, तो 40 का 1/4 कितना हो गया, 10. ओके, सो 1/4 इज इक्वल टू 10. सो राज के वोट कितने हो गए, 10 हो गए. 1/4 है ये भी, तो यहाँ राज के, राम के वोट भी कितने हो गए, 10 हो गए, राम को भी 10 वोट्स मिले. अब मीरा के वोट देख लेते हैं, 40 का 1/8, तो ये हो जाएगा 8 5s 40, तो मीरा को मिले हैं 5 वोट्स. तो हमारे पास हो गए 10 + 10 = 20 + 25. 25 वोट्स जो हैं इन तीनों को मिल चुके हैं, तो 40 में से आप 25 वोट्स जो हैं अगर माइनस करते हैं तो 15 बचते हैं, और 15 वोट्स जो हैं वो अनु को मिले. तो इस तरह से हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि कितने वोट जो हैं वो किसको मिल रहे हैं. अगर अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि हु वॉन द इलेक्शन, तो इलेक्शन किसने जीता है, अनु ने जीता है. ओके, बाय 15 वोट्स. ओके, देन विच टू स्टूडेंट्स गॉट द सेम नंबर ऑफ वोट्स, राज एंड राम गॉट द सेम नंबर ऑफ वोट्स. हाउ मैनी मोर वोट्स डिड राम गेट देन मीरा, सो राम के वोट जो हैं मीरा से कितने ज़्यादा हैं, 5 वोट ज़्यादा हैं, सो आंसर विल बी 5. तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अब एक एग्जांपल लास्ट हम ये ले लेते हैं कि अगर हमारे पास डेटा है और हमें पाई चार्ट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे. आपको क्वेश्चन दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं 48 हैं, तो उनमें उनको लैंग्वेज चूज़ करने के लिए बोला गया है कि आपको लैंग्वेज चूज़ करना है. तो उन्होंने जो लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी है, 24 स्टूडेंट्स ने कहा है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करते हैं, 12 स्टूडेंट्स ने फ्रेंच को चूज़ किया, 3 ने स्पेनिश, 3 ने जर्मन और 6 ने संस्कृत. ओके, तो ये उनका लैंग्वेज प्रेफरेंस है. आपको इसके लिए एक पाई चार्ट बनाना है. तो आप किस तरह से इसका पाई चार्ट बनाएंगे, आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 48 है. 24 स्टूडेंट्स ने जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर किया है. तो सबसे पहले मैक्सिमम पार्ट हम लेंगे. सो 24 डिवाइडेड बाय 48. ओके, सो टोटल नंबर 48 है, उनमें से 24 इंग्लिश प्रेफर कर रहे हैं. तो अगर हम इसको जब डिवाइड करते हैं या जो भी हम इसका फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं 24, तो ये आ जाएगा 1/2. या हम ये कह सकते हैं कि 48 का जस्ट हाफ जो है वो 24 है. तो हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास आर चूजिंग द लैंग्वेज इंग्लिश. तो हम ये इसको इस तरह से ले लेंगे, ये हमारा आ गया इंग्लिश, इतने बच्चों ने जो है वो इंग्लिश को चूज़ किया है, तो ये आ गया इसका हाफ, पूरे पाई चार्ट का हाफ पोर्शन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज है. देन फ्रेंच, ओके, फ्रेंच जो है वो 12 स्टूडेंट्स चूज़ कर रहे हैं, तो हम 12/48 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है 12 4s 48, 1/4. यस, सो 1/4 इसका कितना हो गया, ये 1/2 है, तो 1/4 कितना होगा, ये पार्ट इसका 1/4 है और ये पार्ट भी इसका 1/4 है. ओके, तो हम ये पार्ट ले लेते हैं कि 1/4 जो है इसका वो फ्रेंच है. इतने स्टूडेंट्स ने, मतलब 12 स्टूडेंट्स ने जो है 1/4 ऑफ द क्लास दे आर चूजिंग फ्रेंच लैंग्वेज. अब जो है स्पेनिश जो है वो 3 बच्चों ने चूज़ किया है, तो हम देख लेंगे कि 3/48 क्या होता है, 1/16. ओके,
और 1/16 है तो 1/16 इज जस्ट वन फोर्थ का फोर्थ पार्ट. अब अगर ये 1/4 है तो इसका फोर्थ पार्ट कितना होगा, लगभग इतना होगा. तो इसका इतना पार्ट अगर हम यहाँ ले लेते हैं तो ये हम इस तरह से लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा स्पेनिश. ठीक है, अगेन जर्मन जो है 3 है तो ये भी 1/4 होगा, ये हमारा जर्मन आ गया. ओके, देन 6th, तो 6th हो गया 6/48, ये हो गया 1/8 पार्ट. सो ये हमारा 1/8 पार्ट है, 1/8 हमारा हो गया संस्कृत. तो इस तरह से हम इसको करेंगे, टोटल को हम डिवाइड करते रहेंगे कि कितना फ्रैक्शन हमें दिया, कितना पार्ट हमें दिया गया है उससे, और जो भी फ्रैक्शन पार्ट आएगा उसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे. ठीक है, ये तो इसका एक तरीका हो गया. और अगर आप इस तरह से कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो आप सिंपली क्या कर लीजिए, जो भी आपको नंबर दिया गया है टोटल नंबर ले लीजिए. 24 बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, 24 से इसको डिवाइड कर लीजिए, ये आ जाएगा 24 2 ज़ा 48, मतलब 2 का मतलब है हाफ पार्ट. ओके, तो ये भी आपको कन्फ्यूज़ कर देगा. आपको सिंपली ये देखना है कि मीन्स वही है कि इसी है, 24 है तो मीन्स हाफ ऑफ दिस है, 12 है मीन्स फोर्थ ऑफ दिस है 48, बिकॉज 12 4 ज़ा 48, 3 है ठीक है तो 16th पार्ट है बिकॉज 16 3 ज़ा 48, यहाँ भी 3 है तो 16th पार्ट होगा, और ये 1/16th पार्ट है, ये भी 1/16th पार्ट है. यस yes? और ये 6 है तो 6 12 ज़ा 48, ये गलत हो गया था, ये 1/12th पार्ट है, 6 8 ज़ा, ये ठीक है. ओके, सो 6 8 ज़ा 48, इसलिए 1/8 हो गया, 3 16 ज़ा 48, तो ये 1/16 हो गया. इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे और आपको ये यहाँ पे पाई चार्ट ड्रॉ कर. लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो नहीं पूछे जाते हैं, पूछा जाता है सिर्फ आपको पाई चार्ट दिया होता है, आपको उसको रीड करके जो है स्टेटमेंट्स को मैच करना है कि ये सही है या गलत है. एंड लास्ट है हमारा लाइन ग्राफ. लाइन ग्राफ भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो लाइन ग्राफ में इस तरह से होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो उसमें आपको इस तरह से एक ग्राफ दिया होगा जिसको आपको रीड करना है. तो लाइन ग्राफ में जो है लाइन सेगमेंट से बना होता है ये, जैसे आप देख सकते हैं स्मॉल स्मॉल लाइन सेगमेंट हैं, बड़े हैं छोटे हैं, तो इस तरह से लाइन सेगमेंट में से जो ग्राफ बनता है उसको हम लाइन ग्राफ कहते हैं. तो इस ग्राफ को अगर हम रीड करेंगे यहाँ पे हम दे सकते हैं कि ये इंडोर गेम्स है. इंडोर गेम्स पीरियड, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु चोज वेरियस गेम्स आर शोन इन द ग्राफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड फिल द मिसिंग डाटा इन द टेबल. अगर हम बात करेंगे तो ये लूडो गेम है, चेस है, चेकर्स है, टेबल टेनिस है, स्केटिंग है.